नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। MCX पर सोने का भाव 48,000 के ऊपर है करीब करीब। इस वक्त गोल्ड में ताज़ा भाव गोल्ड का करीब करीब 150 रुपये ऊपर है, 160 रुपये की मजबूती है और 48,000 के ऊपर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी में भी तेज़ी है, हालांकि रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड का भाव $1,815 के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के करीब है, 0.5% की कमजोरी है। WTI क्रूड का भाव $75 के नीचे है, 0.5% तक की कमजोरी यहाँ पर भी है। और MCX पर भाव 5600 के नीचे है और यहाँ भी करीब करीब 0.5% की नरमी दिख रही है। डिमांड को लेकर के भी चिंता बीच बीच में आती है, जैसे कि चीन का क्रूड का इम्पोर्ट कम हो गया, जनवरी से जून के बीच 3% तक की कमी आई है। और ओपेक और गैर ओपेक देशों पर अभी भी मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं कि उत्पादन के मसले पर क्या फैसला आता है। इसके अलावा अगर आज ग्वार की बात करें तो यहाँ पर लंबे वक्त के बाद अच्छी तेज़ी का माहौल ग्वार में बना है और इस वक्त ग्वार सीड में करीब करीब 2.5% की मजबूती है। 4,175 के ऊपर चला गया है ग्वार सीड और ग्वारगम का भाव 2.5% तक बढ़ चुका है, 6,500 के करीब पहुँच चुका है। स्पॉट में डिमांड अच्छी आई है, उसका इंपैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। लेकिन चना वायदा आज भी दबाव में है। अगस्त का वायदा 4800 के करीब है, जुलाई का वायदा 4700 के करीब है। और हालांकि जिस तरह से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है उसके बाद लगातार कीमतें दबाव में हैं और दालों की कीमतों को लेकर सरकार गंभीर है और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा तेल और तिलहन में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। सरसों का भाव आज इंट्राडे में 7200 के भी ऊपर चला गया। क्रूड पाम तेल 1070 के ऊपर। सोया तेल और सोयाबीन में भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़े हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। क्या अभी जो तेज़ी हम गोल्ड में देख पा रहे हैं ये तेज़ी शाम के कारोबार में और बढ़ सकती है? खरीदना चाहिए गोल्ड या आपको लगता है कि इस तेज़ी पर बिकवाली करके चला जाए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, कल के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, हालांकि गोल्ड के लिए लॉन्गर टर्म सपोर्टिव है या पॉजिटिव है क्योंकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, इस वजह से गोल्ड पे हो सकता है कि आज के इवनिंग सेशन में भी एक दबाव का माहौल दिखे, खास करके फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरम पॉवेल की टेस्टिमनी के पहले जो करीबन 9:30 के आसपास है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो हो सकता है कि जो शाम का सत्र है उसमें हम ये जो गेन्स है इसे थोड़ा सा फिसलता हुआ देखें या कम होता हुआ देखें। तो मैं ऊपरी स्तरों पे 48,150 पे बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। 48,300 के रिसेंट जो हाई थे, 8 जुलाई के हाई थे, उसके ऊपर स्टॉप रखकर और डाउनसाइड में कल के लोज जो डेटा के बाद दिखे थे 47,750 उसका लक्ष्य लेके चला जा सकता। ठीक है, निकल पर आपका व्यू क्या है? निकल में आज के लिए किस तरह का ट्रेड लिया जाए? जी देखिए, निकल में तेजी का ही रुख बना हुआ है, हालांकि पिछले कुछ सेशंस में काफी दायरे में कारोबार हुआ है, जो दायरा 1385 से 1405 के आसपास है। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ रुख करेगी, इसलिए 1395 के आसपास बाइंग की सलाह होगी। 1342 के नीचे, 1382 के नीचे स्टॉप रखे और अपसाइड में करीबन 1420 के आसपास के टारगेट लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी आज से कल के बीच। ओके, चलिए आप बात करते हैं कॉपर की। और कॉपर में भी मामूली कमजोरी है। कॉपर में अगस्त का वायदा करीब 2 रुपये नीचे है, 727 का स्तर है। कॉपर में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखिए, कॉपर में ओवरऑल तो पिछले 2 हफ्तों से एक दायरे में कारोबार हो रहा है। दायरा काफी बड़ा है, 715 से लेकर 735 के बीच का, क्योंकि हम उस दायरे के निचले स्तरों के आसपास आ रहे हैं और 721 का एक इंट्राडे सपोर्ट नजर आ रहा है, इसलिए उस सपोर्ट के करीब बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 716 के आसपास का स्टॉप लेकर। और अपसाइड में मुझे लगता है जो इमीडिएट बैरियर है 729-729 का, वो एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर पे। क्रूड का मार्केट
आज दबाव में है, करीब करीब 0.25% नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त 5,566 का स्तर है। एक तरफ डिमांड घटने की चिंता है तो दूसरी तरफ सप्लाई कम है, तो आप बताएं कि अब क्रूड में क्या क्या जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि चीन के जो आंकड़े हैं उसके बाद हमने सुबह के सेशन में जो एशियन सेशन होता है उसमें देखा है कि क्रूड में दबाव आया है, लेकिन ये रुख हमने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है कि सुबह के सेशन में दबाव आता है और रात को जो क्योंकि इन्वेंट्रीज कम है और आज भी इन्वेंट्री डेटा होगा तो उस वजह से अगर उसमें फिर से एक लगातार डिक्लाइन आता है तो निचले स्तरों पर क्रूड को सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं 5550 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, थोड़े से डीप स्टॉप लॉस के साथ 5490 के आसपास स्टॉप होगा, लेकिन टारगेट भी 5640 यानी कल के हाई से ऊपर का टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में इस वक्त एकदम रेंज का ट्रेड है, 275 रुपये के आसपास है, बहुत ही दायरे में कारोबार हो रहा है। आप बताएं क्या किया जाए इसमें अभी। देखिए, दायरे में कारोबार डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन वो दायरा जो है वो नियर टर्म हाइज के आसपास है, तो किसी भी वक्त जो हाइज हैं 283-282 के आसपास वो निकल सकते हैं ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 275 यानी ऑलमोस्ट मार्केट के आसपास, और डाउन साइड में करीबन 271 का एक डीप स्टॉप लॉस लेकर 281 का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, ग्वार में आज बहुत अच्छी तेजी का माहौल बना है लंबे वक्त के बाद, ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है क्या? जी, मेरे हिसाब से टिकाऊ है, क्योंकि मैं काफी समय से एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4000 का सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है तो 4250 तक की तेजी आ सकती है अगस्त वायदा में, और अगस्त वायदा करीबन 4150-60 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल से करीबन 100 रुपए की और तेजी आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकती है। अच्छा ठीक है, और चने पर आपका व्यू क्या है? चने में लगातार गिरावट का माहौल हमने देखा है, आज तो 4800 के भी नीचे आ गया अगस्त का वायदा, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए अभी इसमें? जी देखिए, खास करके स्टॉक लिमिट्स लगने के बाद हमने 5000 का जो महत्वपूर्ण लेवल था वो टूटते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि 4620 से 4600 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म यानी आने वाले 2 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल या स्लो डिक्लाइन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी करंट लेवल से 3-4% की गिरावट और बाकी है चने में। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि क्या करना चाहिए अभी चने में। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।